दोस्तों, श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल में से कौन है आपका फेवरेट कप्तान, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज आईपीएल 2022 का 8वां मैच पंजाब और कोलकाता के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस हाई वोल्टेज मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। श्रेयस अय्यर का फैसला सही साबित हुआ और पंजाब के कैप्टन मयंक अग्रवाल उमेश यादव की बॉल पर एक रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अब धवन का साथ देने आए राजापक्षा और राजापक्षा ने आते ही अटैक किया और मात्र 9 बॉल्स में 3 छक्के और 3 चौके लगा दिए। पहले 4 ओवर तक पंजाब का स्कोर था 42 रन, पर अगले ओवर में शिवम मावी ने राजापक्षा को 31 रनों पर आउट कर दिया। राजापक्षा ने मात्र 9 गेंदों में 31 रन बनाए। अब धवन का साथ देने आए लियाम लिविंगस्टन ने आते ही एक बेहतरीन सिक्स लगा दिया, पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम साउथी ने शिखर धवन को 16 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। पावर प्ले के अंत तक पंजाब का स्कोर था 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शिखर धवन के आउट होते ही लियाम लिविंगस्टन का साथ देने आए अंडर 19 प्लेयर राज बावा, पर पावर प्ले के बाद भी पंजाब के रेगुलर विकेट गिरते रहे, जहां लिविंगस्टन 19 रन पर, वहीं राज बावा 11 रनों पर आउट हो गए और पंजाब का स्कोर था 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के बाद। पर 13वें ओवर की पहली बॉल पर टीम साउथी ने शाहरुख खान को 0 रन पर आउट कर दिया। पंजाब का स्कोर था 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब हरप्रीत ब्रार का साथ देने आए ओडिन स्मिथ। जब पंजाब का स्कोर 102 रन था, तब उमेश यादव ने पहले हरप्रीत ब्रार को 14 रनों पर और फिर 9वें आए राहुल चहर को 0 पर आउट कर दिया। अब पंजाब का स्कोर था 102 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर्स में कग्गीसो रबाडा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 गेंदों पर 25 रन बना दिए। रबाडा की इस इनिंग के बाद ही पंजाब का स्कोर 130 के पार पहुंच पाया, पर पंजाब 19वें ओवर में ही 137 रनों पर ऑल आउट हो गया। केकेआर की ओर से सबसे अच्छी बॉलिंग उमेश यादव ने की, जहां उमेश यादव ने 4 ओवर्स में 23 रन देके 4 विकेट्स अपने नाम किए। अब केकेआर को इस मैच को जीतने के लिए 138 रनों की आवश्यकता थी। 138 रनों का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे 12 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। रहाणे को रबाडा ने आउट किया। अब वेंकटेश अय्यर का साथ देने आए कैप्टन श्रेयस अय्यर। वेंकटेश और श्रेयस के बीच में दूसरे विकेट के लिए 24 रनों की पार्टनरशिप भी हुई और जब केकेआर का स्कोर 38 रन था, तब वेंकटेश अय्यर 3 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने आए विकेट कीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स। पावर प्ले के लास्ट ओवर में केकेआर के दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन स्कोर किए और 6 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 14 ओवर में केकेआर को मात्र 87 रनों की आवश्यकता थी, पर 7वें ओवर में कैप्टन श्रेयस अय्यर को राहुल चहर ने आउट कर दिया और केकेआर का स्कोर था 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब सैम बिलिंग्स का साथ देने आए लेफ्ट हैंड बैट्समैन नीतीश राणा, पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चहर ने नीतीश राणा को 0 पर आउट कर दिया। केकेआर का स्कोर 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब सैम बिलिंग्स के साथ बैटिंग करने आए हार्ड हिटर एंड्रे रसल। हरप्रीत ब्रार के 10वें ओवर में एंड्रे रसल ने लगातार 2 सिक्सेस लगा दिए और 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 10 ओवर में केकेआर को और 65 रनों की आवश्यकता थी। 10 ओवर के बाद भी रसल ने अटैक जारी रखा और ओडिन स्मिथ के ओवर से 4 छक्के और 1 चौके लगा दिए और पूरे ओवर में 30 रन जोड़े। रसल के अटैक के कारण पूरा मैच केकेआर के पक्ष में हो गया। अब आखिरी 7 ओवर में केकेआर को मात्र 24 रनों की आवश्यकता थी। इसी बीच एंडर रसल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रसल ने मात्र 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। एंड्रे रसल के अर्धशतक में 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। एंड्रे रसल के अटैक के कारण पूरा मैच केकेआर के पक्ष में हो गया था और आखिर में केकेआर ये मैच 6 विकेटों से जीत गई।